आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं गांधीवाद। पहले की क्लासेस में हम गांधी जी के बारे में और गांधीवाद के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने गांधी जी की जीवनी, उनका कंट्रीब्यूशन, गांधीवाद का अर्थ और गांधी के विभिन्न विचार, चाहे वो धर्म को लेकर के हों, समाज को लेकर के हों, और अहिंसा और सत्याग्रह। इसके अलावा गांधी जी के लिए जो ट्रू स्वराज था वो क्या था, और वो किस तरीके के समाज की स्थापना की बात करते हैं, किस तरीके से वो स्टेट को नॉन वायलेंट स्टेट के रूप में बनाना चाहते हैं, इस विषय में हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं गांधी और मार्क्स के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या असमानता है, यानी कि कंपेरिजन बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। दोनों ही विचारकों को माना जाता है कि ये अराजकतावादी हैं, और अराजकतावाद राज्य जैसी संस्था का विरोध करता है, और इनकी विचारधाराओं में, यानी कि जो गांधी जी हैं और मार्क्स हैं, ये दोनों ही विचारक हम इससे पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, और दोनों ही विचारक राज्य जैसी संस्था का विरोध करते हैं। वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पे राज्य और वर्ग जैसी संस्था ना हो, यानी कि क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी की वो बात करते हैं दोनों ही विचारक। गांधी जी और मार्क्स साथ ही साथ पश्चिमी लोकतंत्र का भी विरोध करते हैं। ये दोनों समानताएं जो हैं दोनों विचारकों के मध्य हैं, और इसके साथ साथ ऊपरी तौर पे तो लगता है कि इन दोनों में काफ़ी समानता है, बट आधारभूत रूप में, यानी कि बेसिक जो इनकी इनकी आइडियोलॉजी है, इनका थॉट है, उसमें काफ़ी अंतर है। जैसे कि अगर हम देखें तो गांधी और मार्क्स में जो सबसे बड़ा अंतर है कि मार्क्स पूरी तरीके से मेटरलिस्टिक अप्रोच वाले हैं, भौतिकवादी हैं, और वहीं दूसरी तरफ गांधी जो हैं वो आध्यात्मवादी हैं, नैतिक सिद्धांत को मानने वाले हैं। ये इनमें बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा जो साध्य और साधन के बारे में गांधी जी बात करते हैं, यानी कि मीन एंड एंड की जो वो बात करते हैं, गांधी जी के लिए मीन्स और एंड दोनों का सही होना, उनका प्योर होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी अपने विचारों में ये कहते हैं कि जितना प्योर, जितना अच्छा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उस तक पहुंचने के जो मीन्स हैं, उसके जो साधन हैं, वो भी उतने ही अच्छे या उतने ही प्योर, शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी तरीके का वॉलेंस नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो मार्क्स हैं वो लक्ष्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये कहते हैं कि चाहे साधन कोई भी क्यों ना हो, लक्ष्य हमारा अच्छा होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए हम कोई भी साधन अपना सकते हैं। ये कार्ल मार्क्स मानते हैं, और ये इन दोनों के विचारों में बहुत बड़ा अंतर है जो है साध्य और साधन के संबंध में। व्यूज ऑन रिलीजन। गांधी और मार्क्स दोनों के धर्म और ईश्वर पे जो विचार हैं उसमें काफी अंतर है। कार्ल मार्क्स धर्म को समाज के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, और वहीं गांधी धर्म को राज्य के लिए, समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। गांधी जी मानते हैं कि धर्म के आधार पर व्यक्ति को एक अनुशासित जीवन जीने के लिए, एक नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उसको डिसिप्लिन्ड किया जा सकता है, उसमें नैतिकताएं, चारित्रिक निर्माण के लिए ये काम में आ सकता है, ये गांधी जी मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्ल मार्क्स ही मानते हैं कि जो धर्म है वो जनता को गुमराह करने के काम आता है, वो एक तरीके का नशा है जिससे जनता की वास्तविक जो समस्याएं हैं वो छुप जाती है, और जनता धर्म पे ही व्यस्त हो जाती है। रीजन फॉर क्लास डिस्टिंक्शंस। जो वर्ग है समाज में वो तो बटे हुए हैं, ये दोनों विचारक मान रहे हैं, पर इन दोनों के जो कारण हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि मार्क्स अलग कारण बताते हैं जिसकी वजह से वर्ग बटे हुए हैं, और गांधी जी अलग कारण बताते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो वर्गों में डिवाइडेड है, जिसमें है एक हैव्स और दूसरा है हैव नॉट्स।
और वो ये कहते हैं कि वॉयलेंट रिवोल्यूशन जब होगा, क्रांति जब होगी, उसके द्वारा जो शासन है हैव्स का, उसको हटा करके एक क्लासलेस सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा जहां पे किसी का भी शोषण नहीं होगा। जो आज तक मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो उस सोसाइटी में, जो क्लासलेस सोसाइटी होगी, क्योंकि उसमें कोई क्लास बचेगी ही नहीं, कोई वर्ग होगा ही नहीं, दोनों समान होंगे, सभी समान होंगे। तो ऐसी सोसाइटी में क्या किया जा सकता है, जो रूल है वो किसी का भी नहीं होगा, सभी का रूल होगा। वही दूसरी ओर जो गांधी जी मानते हैं, वो कहते हैं कि जो क्लास डिस्टिंक्शन है, जो वर्ग है, वो काम के आधार पे बटा हुआ है। जो मेंटल लेबर कर रहा है उसको ऊंचा माना जाता है, और जो फिजिकल लेबर कर रहा है उसको कमतर आका जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी में हर लेबर को, हर काम को, हर श्रम को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। तो ये दोनों बेसिक अंतर हैं इन लोगों के, जो क्लास का डिस्टिंक्शन है उसके संदर्भ में। और वहीं गांधी जी ये कहते हैं कि समाज में वर्ग संघर्ष जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि वर्ग सामंजस्य है, लोग आपस में मिलजुल करके काम करेंगे। मेथड फॉर चेंज, परिवर्तन लाने के लिए जो दोनों विचारकों ने पद्धति चुनी है, जो मेथड चुना है, उसमें काफी अंतर है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए कार्ल मार्क्स हिंसक क्रांति करने से भी हिचकिचाते नहीं है। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी के लिए नॉन वायलेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो नॉन वायलेंस को वेपन ऑफ ग्रेट लीडर्स मानते हैं। वो ये कहते हैं कि गांधी बिलीव नॉन वायलेंस मच मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर देन वायलेंस। वायलेंस से ज्यादा प्रभावशाली नॉन वायलेंस है, ऐसा गांधी जी का मानना है। तो इन दोनों का जो पद्धति है उसमें ये अंतर है। जहां कार्ल मार्क्स हिंसा के प्रयोग की बात करते हैं, वहां जो गांधी है वो पूरी तरीके से अहिंसक मार्ग को अपनाना चाहते हैं। सोशल फंक्शनिंग, कार्ल मार्क्स सजेस्ट सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स का मानना है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जितने भी साधन है, उसमें सभी लोगों की समान स्वामित्व हो, सभी का, पूरे समाज का स्वामित्व हो। वहीं गांधी जी मानते हैं कि निजी संपत्ति से कोई नुकसान नहीं है, निजी संपत्ति जब लोगों के काम आएगी तो इस तरीके से निजी संपत्ति से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए गांधी जी लेकर के आते हैं अपना एक सिद्धांत, जिसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें निजी संपत्ति का जो ओनर है वो अपने आप को संपत्ति का ओनर ना मान करके एक ट्रस्टी माने, और जो संपत्ति है उसको समाज के हित में लगाए और समाज के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति को प्रयोग में लेकर के आए। इसमें गांधी जी कहते हैं कि जो भी निजी संपत्ति का मालिक है उसका हृदय परिवर्तन होगा, और वो अपनी जो संपत्ति है वो समाज के भले के लिए लगाएगा। तो ये अंतर है गांधी और कार्ल मार्क्स की जो सोशल फंक्शनिंग है उसमें। और वो गांधी जी का जो न्यायशीलता का सिद्धांत है या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, वो सहयोग पर आधारित है, जिसमें जो कैपिटलिस्ट है या जिसके पास पैसा है, पूंजी है, वो सहयोग की भावना से प्रेरित होकर के अपनी आर्थिक जो प्रोडक्शन है, अपनी जो साधन है, उसको गरीबों पे खर्च करता है और संपत्ति को समाज की धरोहर के रूप में प्रयोग करता है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट। कार्ल मार्क्स क्योंकि ये मानते हैं कि जब क्रांति होगी उसके बाद वर्गहीन समाज होगा, कोई समाज ही नहीं होगा, और वो ये मानते हैं कि जो सरकार होती है वो डोमिनेंट जो क्लासेस होती हैं उसके इंटरेस्ट के लिए उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जब कोई वर्ग ही नहीं होगा तो किसी भी सरकार की जरूरत नहीं होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। वहीं गांधी मानते हैं, ऐसा विश्वास रखते हैं कि विकेंद्रीकरण की राजनीति, यानी कि
डिसेंट्रलाइजेशन हो, राजनीति में भी इकोनॉमी में भी डिसेंट्रलाइजेशन हो और गांव जो विलेजेस हैं वो ज्यादा पावरफुल बने और अपना शासन चलाए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो क्लासलेस सोसाइटी होगी उसकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए मास प्रोडक्शन होना चाहिए और वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को मानते हैं और वो औद्योगिकरण में विश्वास रखते हैं और विशाल उद्योगों की स्थापना के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग करने पे बल देते हैं कार्ल मार्क्स। वहीं गांधी जी ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उसके फेवर में हैं और वो इस आधार पे आर्थिक और रोजगार से संबंधित समस्या को भी सुलझाना चाहते हैं। दोनों ही विचारक गांधी और कार्ल मार्क्स, इनका जो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे किसी भी रूप से कम नहीं आंका जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो कंपैरिजन है गांधी और मार्क्स का वो क्लियर हुआ होगा, आपको स्पष्ट हुआ होगा और धन्यवाद।